धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद का शव देर रात हजारीबाग के शिवपुरी स्थित उनके आवास पर लाया गया, जिसके बाद आज सुबह से ही हजारीबाग के न्यायपालिका और जिला के पदाधिकारियों समेत आम लोगों की भारी भीड़ रही। एक ओर हजारीबाग इस मौत की खबर से सन है, वहीं परिवार वाले हत्या की बात कह रहे हैं। यह घटना कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह पूर्णतः हत्या का घटना है, हत्या हुई है। वहीं उत्तम आनंद के छोटे भाई सुमन आनंद ने कहा कि मीडिया में जो सीसीटीवी फुटेज चल रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक सुनिश्चित हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनपढ़ दवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश भी नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए। वहीं आज सुबह 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को हजारीबाग के शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।